क्या आपके बच्चों को फोन की लत लग चुकी है? तो दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव द्वारा बच्चों के इस बातचीत का मजेदार वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। दरअसल मौका था स्पोर्ट्स कराटे के द्वारा कराटे ग्रेडिंग परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें ये परीक्षा दुर्ग में संचालित हुई, जिसमें कराटे क्लब के 180 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर थे दुर्ग के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव, जिसमें उन्होंने बच्चों के साथ कई ऐसी मज़ेदार बातें की और इन मज़ेदार बातों में कई सारी सीख भी थी। आइए दिखाते हैं आपको ये वीडियो। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर आदमी को एक स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। एक तो हो गया स्पोर्ट्स की बात, इसके लिए बहुत जरूरी है सही खाना पीना खाएं। बहुत लोग आकर रात में चले जाते हैं, बाहर बटर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, पिज्जा बर्गर और क्या खाते हैं बच्चे, मैगी डाल के, तो अपने को ऑयली फूड से बचना है, नहीं तो स्वास्थ्य का नुकसान होता है। फ्रूट वेजिटेबल सबको खाना चाहिए। वहीं कुछ बच्चों ने उन्हें कराटे के मूव्स भी दिखाए, साथ ही लड़कियों को आत्मरक्षा के साथ कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर उठाने की भी बात डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने वहां की। सीको कराटे इंटरनेशनल के तत्वाधान में यहां पे इवेंट हुआ, जिसमें कि 1000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं शामिल हुए। देख के बहुत अच्छा लगा कि भिलाई में सभी स्पोर्ट्स के लिए अच्छे वेन्यूज हैं। कराटे जो है एक स्पोर्ट्स है जिसमें डिसिप्लिन इनकलकेट होता है, टीम वर्क इनकलकेट होता है, सेल्फ डिफेंस में कभी भी अनहोनी होने से बच सकते हैं। जिस तरह से महिला अपराध, बच्चे अपराध समय में बढ़ रहा है, निश्चित रूप से कराटे एक सेल्फ डिफेंस स्किल के लिए बहुत ही अच्छा है। बच्चों से भी सीधा वार्तालाप किया गया, उनकी समस्याओं के बारे में जाना गया और उनको ट्रैफिक से रिलेटेड, एडिक्शन से रिलेटेड, मोबाइल के बारे में समझाइश दी गई। लगातार पुलिस की ये कोशिश है कि हर जगह हर मंच के थ्रू हर समाज के हर तत्व के साथ जो है हमारा वार्तालाप किया जाए, जिससे कि अपराध पे कंट्रोल करना जो है वो संभव हो सके। यहाँ पे 180 बच्चे पार्टिसिपेशन किए हैं, जो बेल्ट ग्रेडिंग इसलिए होता है कि फेडरेशन के दौरान हम सिहान भरत शर्मा जी ने, इंडिया चीफ है हमारा, मैं यहाँ का स्टेट चीफ हूँ सिकोका सितोरियो का, मेरे को वहाँ से इंडिया चीफ से परमिशन दिया हुआ है कि ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डाउन तक मैं एग्ज़ाम ले सकता हूँ। तो यहाँ पे बच्चे ग्रेडिंग के लिए 6 महीने में एक बार लेते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और अभी एसपी साहब ने आए हैं, अभी कुछ सब बच्चे को मोबाइल के बारे में और कराते के बारे में, खेलो कूदो बहुत आगे बढ़ो ये नहीं कहला है। अभी जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस बच्चे ने जब भी ग्रेडिंग का भी होगा एग्ज़ाम, उसका 6 महीने में एक बार होता है, उस बच्चों ने अब जो जो टेक्निक सिखाए गए हैं हर क्लब में जहाँ भी हो उसको फिर रिवर्स करते हैं। जो बच्चा इसमें पास होता है तो हमारा दिल्ली से सर्टिफिकेट भरत शर्मा सर के साथ में आता है, उस सर्टिफिकेट जो बच्चा पास करेगा उसी को सर्टिफिकेट मिलता है, जो बच्चा फेल होता है उसको नहीं मिलता है। और ये अभी जनवरी में सिहान भरत शर्मा जी ने अभी आएंगे, जो इंडिया चीफ है, उनको हम कैंप के लिए बुला रहे हैं, क्यों हाल ही में उनका लड़का है अभी WKF में मेडल लेकर आया है, इंटरनेशनल WKF में बहुत अच्छा मेडल लाया, भारत के लिए बहुत बड़ा नाम है ये कि अगले वाला ओलंपिक में वो लड़के नहीं जा सकता है, भारत का नाम रोशन कर सकता है। इस तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें KP न्यूज़। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।